प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम जीएसटी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम सीखेंगे सप्लाई इन जीएसटी। जीएसटी में जनरली दो तरह की सप्लाई होती है, एक को हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं और दूसरे को हम मिक्स सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो हमारी आज की क्लास में हम सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपोजिट सप्लाई जीएसटी में किसे कहते हैं और टेली प्राइम में इससे संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को हम किस तरह से पास करेंगे, कौन कौन से लेजर्स हमें बनाने होंगे, उन लेजर्स में किन ऑप्शंस का हमें ध्यान रखना होगा, ये सारा कुछ आज की क्लास में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। अंडर जीएसटी सिस्टम A composite supply is a supply of goods and services that includes two or more goods or services that are naturally bundled and supplied in conjunction with each other. It means GST system में जब हम दो या दो से अधिक goods या services को एक साथ sell out करते हैं और वो भी ऐसी goods और services होती हैं जिन्हें naturally एक साथ sell out किया जाता है, तो ऐसी सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको टीवी परचेस करना है तो टीवी के साथ रिमोट हमें नेचुरली मिलता ही है, यानी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम टीवी खरीद रहे हैं तो उसके साथ रिमोट तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप केवल टीवी खरीदने जा रहे हैं और रिमोट को आपको अलग से खरीदने जाना होगा। तो ये एक नेचुरल सप्लाई है जिसमें दो गुड्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए सेल किया जाता है। कभी भी आपने देखा होगा कि आप रिमोट के साथ टीवी परचेज करना है ऐसा बोलकर टीवी नहीं खरीदते हैं, आपको टीवी खरीदना होता है तो उसके साथ रिमोट ऑटोमेटिकली ही मिलता है। तो यहां पर मेन सप्लाई क्या हुआ, टीवी। तो जो भी मेन गुड्स होता है उसको प्रिंसिपल सप्लाई माना जाता है और प्रिंसिपल सप्लाई पर जो भी टैक्स रेट अप्लाई है जीएसटी का, वही टैक्स रेट उस सप्लाई के साथ जुड़ी हुई दूसरी सर्विसेज या गुड्स पर भी अप्लाई होता है। तो कंपोजिट सप्लाई में ऐसे गुड्स और सर्विसेज को एक साथ सेल आउट किया जाता है जो नेचुरली बंडल्ड हो और जनरली जिन्हें अलग अलग नहीं बेचा जाता हो। अब आप कहेंगे कि आप तो रिमोट अलग से भी परचेस कर सकते हैं। हाँ परचेस कर सकते हैं, लेकिन जनरली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इन दोनों को साथ में ही सेल किया जाता है। जैसे आप लैपटॉप परचेस करने जा रहे हैं तो उसके साथ चार्जर आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं होती है, लैपटॉप के साथ ही आपको मिल जाता है। इसी तरह से लैपटॉप का बैग हो गया, लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे गुड्स और सर्विसेज लैपटॉप की कीमत में शामिल होते हैं। आप लैपटॉप परचेस करते हैं और वो सारी चीजें आपको साथ में मिल जाती हैं। तो इस तरह की जो सप्लाई होती है उसे हम कंपोजिट सप्लाई के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जिसके अंदर आप टाई खरीदने गए हैं और साथ में आपको पेन दिया जा रहा है, तो ये जो सप्लाई हुई ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन नहीं है। टाई और पेन इसे सेपरेटली सेल किया जा सकता है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह की सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई नहीं बोलते हैं। और जब आप कोई होटल का रूम बुक करा रहे हैं तो उसके साथ ब्रेकफास्ट, ये एक नेचुरल सप्लाई है, दोनों साथ में सेल किए जाते हैं। तो इस तरह की जो सप्लाई है उसे हम जीएसटी में कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। आइए अब चलते हैं टैली में और देखते हैं कि हमें कंपोजिट सप्लाई से संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को टैली में किस तरह से पास करना है। टैली में कंपोजिट सप्लाई की एंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले हमने यहां कुछ लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। एक डेटर का लेजर बनाया है, नाइस इन्फोटेक, ये एक हमारा लोकल डेटर रहेगा। इसी तरह से हम अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उस एग्जांपल को फॉलो करते हुए एंट्रीज को पास करेंगे। टीवी उसके साथ हम रिमोट कंपोजिट सप्लाई के रूप में नेचुरल बंडल के रूप में सेल आउट करने वाले हैं, इसलिए टीवी रिमोट को भी हमने एक लेजर के रूप में यहां पर क्रिएट किया है जिसका ग्रुप रखा है डायरेक्ट इनकम। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लेजर पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल सेट किया है। देन जैसे ही आप नॉट एप्लीकेबल सेट करेंगे, नीचे इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको एप्रोप्रिएट टू गुड्स देन मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू लेते हुए इस लेजर को सेव करना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लैपटॉप, उसके साथ लैपटॉप चार्जर हमें मिलता है, तो लैपटॉप चार्जर का भी हमने यहां पर लेजर क्रिएट किया है जिसका ग्रुप भी मैंने डायरेक्ट इनकम रखा है। और सेम जीएसटी को यहां पर भी नॉट एप्लीकेबल करते हुए एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशंस के सारे ऑप्शन को सेट कर दिया है।
तो दोस्तों इस तरह से आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, देन स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम आप क्रिएट कीजिएगा। हमने यहाँ पर दो स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, एक एलजी टीवी और इस एलजी टीवी के ग्रुप पर जीएसटी का रेट सेट कर दिया है जो कि 18% रखा है। इसी तरह से दूसरा जो आइटम मैंने क्रिएट किया है वो है एचसीएल लैपटॉप, और लैपटॉप का भी जो जीएसटी रेट रखा है ग्रुप पर वो 18% सेट कर दिया है। आइए अब चलते हैं, अकाउंटिंग एंट्री हमें किस तरह से पास करनी है वो देख लेते हैं। हम अपना गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, तो सेल आउट करने के लिए F8 सेल्स वाउचर में जाना होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर्स दिखाई दे रहा है, इसलिए इस वाउचर का मोड चेंज करते हुए हमें काम करना होगा। मोड चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल H प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस ले लेना है। देन आप बिल नंबर डाल सकते हैं, पार्टी नाइस इन्फोटेक, सेल आउट कर रहे हैं हम इन्हें टीवी एलजी टीवी वन नॉम, और इजी कैलकुलेशन के लिए हम यहां अमाउंट ले लेते हैं 10,000। अब इस टीवी के साथ हमें रिमोट सेल आउट करना है और वो हमारा स्टॉक आइटम नहीं है, इसलिए आपको ये जो टोटल का लाइन दिखाई दे रहा है इससे बाहर निकलना है और टीवी के साथ रिमोट सेल आउट करना है, इसलिए टीवी रिमोट और उसकी भी कॉस्ट हम यहां पर सेट कर लेते हैं 500 रुपीज। देन आप ऑल्ट ए ऑल्टर एफ वन करके टैक्स एनालिसिस विंडो जब ओपन करेंगे तो आप यहां देख पाएंगे कि टोटल जो अमाउंट था टैक्सेबल अमाउंट 10,500, और इन दोनों ही आइटम्स पर टैक्स रेट सेम अप्लाई हो रहा है 18%। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि अलग अलग टैक्स रेट वाले आइटम आपको साथ में नेचुरल बंडल के रूप में सेल आउट करने हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि टीवी पर टैक्स रेट 18% हो और रिमोट पर 5% या 12% हो, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो जब अलग अलग टैक्स रेट वाले आइटम आपको नेचुरली बंडल करते हुए सेल आउट करना है तो इस तरह का मेथड आपको अप्लाई करना होगा। देन इसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज कीजिएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि हम लोकल पार्टी को सेल आउट कर रहे हैं। देन जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट में आप देख पाएंगे कि जो भी हमारा प्रिंसिपल सप्लाई था उस पर जो टैक्स रेट था वही टैक्स रेट टीवी रिमोट पर भी अप्लाई होता हुआ आपको दिखाई देगा। सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम सेल आउट करेंगे सेम पार्टी को एचसीएल लैपटॉप। सेम इजी कैलकुलेशन के लिए फिर से मैंने 10,000 ले लिया है और लैपटॉप के साथ हम उसका चार्जर भी सेल आउट करने वाले हैं, तो लैपटॉप चार्जर 1,000 ले लेता हूं। दोस्तों कई बार हमें ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस वो भी सेल आउट करना होता है, तो उसे भी हम बंडल के रूप में यदि सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके भी सेपरेट आप लेजर्स बनाइएगा। उन सारे लेजर्स पर हमें जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना है और जो भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं उन्हें लेते हुए कंपोजिट सप्लाई से संबंधित सारी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। अब ये सारे ट्रांजेक्शन्स हमें जीएसटीआर 1 में दिखाई देंगे क्योंकि हमने सेल आउट किया है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो एंट्रीज मैंने पास की हैं, दोनों ही एंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और टोटल अमाउंट के साथ दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि जीएसटी में कंपोजिट सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है और उससे जुड़ी हुई अकाउंटिंग एंट्रीज को हमें किस तरह से पास करना है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।